डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साइंस में भी फिजिक्स के चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के जो बीच में प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हमने आप लोगों को समझाया था, बताया था और नोट डाउन कराया था। चलिए ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिज्म। याद रखिएगा, इस प्रिज्म का हम लोगों को यूज है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले प्रिज्म के बारे में जानना ज़रूरी है कि आखिर प्रिज्म है क्या, ठीक है, और ये प्रिज्म क्या है, कैसे है, कैसे बनता है, या फिर बोल सकते हैं इसमें क्या क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एरो देकर ये लिखना चाहिए पॉइंट कि जो भी प्रिज्म होते हैं ना, वो बिल्कुल कांच के बने होते हैं, शीशे के बने होते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म एक कांच का बना हुआ त्रिभुजाकार रचना होता है, ठीक है। तो लिखा जाए फर्स्ट एरो में, प्रिज्म कांच का बना, प्रिज्म कांच का बना त्रिभुजाकार रचना होता है, त्रिभुजाकार रचना होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रिज्म किससे बना हुआ रहता है, तो कांच से बना हुआ रहता है, मतलब शीशा का बना हुआ रहता है, और इसकी रचना कैसी होती है, तो त्रिभुज की जैसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरो लिखेंगे प्रिज्म के बारे में, दूसरा पॉइंट, इसमें दो त्रिभुजाकार आधार, इसमें दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व होते हैं। पार्श्व बताते हैं सभी का मीनिंग कि क्या है, तीन आयताकार पार्श्व होते हैं, कॉमा, इसमें दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को, इसमें दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है, प्रिज्म कोण कहा जाता है जी। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हम लोग को तो पता चला कि प्रिज्म जो है क्या है, तो कांच का बना हुआ एक त्रिभुजाकार रचना है जिसमें क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिसमें दो चीज़ें होती है, दो गो त्रिभुजाकार आधार होता है और तीन गो जो है आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। पार्श्व का मतलब लगा हुआ, जैसे मान लो ये कॉपी है, अब एक सतह तो ये हुआ और इसी से दूसरा सतह ये लगा हुआ है, ये जिसको हम पकड़े हुए हैं, जहाँ पे मुड़ रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसका पार्श्व पृष्ठ ये हुआ। पार्श्व पृष्ठ का मतलब लगा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रिज्म का तो एक्चुअली हम लोग त्रिभुजाकार रचना बोलते हैं, लेकिन इसमें रियलिटी में दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं, लेकिन तीन गो पार्श्व पृष्ठ होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि दोनों फलकों यानी कि दोनों सतहों, जैसे अभी ये सतह है, इसका पार्श्व ये कहला रहा है, और दोनों को जब ऐसे अगर मोड़ेंगे तो दोनों के बीच में यहाँ पे कोण बन रहा है। देख लीजिए, यहाँ ऐसे मोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कोण बन रहा है, तो यही दोनों फलकों सतहों के बीच को कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। जरा इसका फिगर बना लेते हैं कि प्रिज्म कैसा होता है। तो प्रिज्म बिल्कुल त्रिभुजाकार रचना होता है, हालांकि इसको हम लोग कॉपी पे त्रिभुज की जैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, यही हम लोगों को कहलाता है प्रिज्म कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण। और इसको बोलते हैं फलक या फिर सतह, प्रिज्म का ये क्या है, सतह है, और इसको पूरा को हम बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। ये पूरा क्या है, प्रिज्म है। तो हम लोग अगले क्लास में इसको और डीपली नॉलेज लेंगे कि आखिर प्रिज्म से अपवर्तन कैसे हो पाता है, इसमें कैसे कैसे कोई किरण आ रही खींची जाती है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ देखा प्रिज्म के बारे में,
ठीक है। अब प्रिज्म के बारे में पढ़ने के बाद एक अलग हटते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि प्रिज्म में दो ही टॉपिक्स हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म के बारे में जान गए। हालांकि प्रिज्म से अपवर्तन या परावर्तन जो भी बोल सकते हैं कैसे हो सकता है, परावर्तन तो हो नहीं सकता है क्योंकि कांच है और कांच में कोई भी प्रकाश इंटर करती है तो दूसरे माध्यम में निकल जाएगी। तो इसलिए इससे क्या कर सकते हैं हम लोग इसका यूज कर सकते हैं अपवर्तन में, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अलग हटते हैं हम एक टॉपिक से और उसको हम लोग सभी टॉपिक्स को नोट में पॉइंट करके नोट करेंगे। तो अब हम लोग बनाएंगे नोट और नोट में कुछ अलग हटके हम लोग बात करते हैं। तो नोट का फर्स्ट पॉइंट देकर नोट का सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये नोट जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं ना, ये आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर के कई भाग हैं, नाक है, मुंह है, पैर है, उंगली है, सर का बाल है, सर है, बहुत तरह का है, कान है, नाक है। लेकिन दोस्तों, हमारे कई भाग ऐसे हैं शरीर के जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये बात सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, आपको आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हमारा नेत्र या मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, नेत्र के बारे में सीख रहे हैं। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि दोस्त नेत्र भी, यानी कि हमारा आँख भी जो है, एक तरीके का ऐसा ही भाग है हमारे शरीर का जो मरने के 4 से 6 घंटे तक जीवित रहता है। अगर मान लिया जाए कि हम सुबह 4 बजे अगर मृत्यु हुई है किसी व्यक्ति की या मेरी ही हुई है, तो उसके अगले 4 से 6 घंटा, यानी कि सुबह भोर में अगर 4 बजे अगर डेथ हुआ है किसी व्यक्ति को, तो 8 से 10 बजे तक उसका आँख जो है जिंदा रहता है, यानी आँख जो है उसका काम कर सकता है। इसीलिए ना एक नाम सुने होंगे, नेत्रदान, है ना। और नेत्रदान ऐसा नहीं है कि आप नेत्रदान जो है जिंदे कर लीजिए। आजकल अपन अपना जो है सामान, अपना हानि पहुंचा के किसी दूसरे का हम लाभ पहुंचा सकते हैं, कभी नहीं। तो सेम हम कैसे अपने अंधेर हो के और दूसरा को हम रोशनी देते चलेंगे, ये तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे समझने वाली बड़ी बात यह है कि हम लोगों की अगर मृत्यु भी हो जाती है ना, तो हम लोग नेत्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारी आंखें क्या होती है, जीवित रहती है। तो चलिए सब चीज़ के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा अलग टॉपिक्स को हटे हैं, तो नोट में करके इन बातों को लिख रहे हैं। ये बातें आपको एग्ज़ाम में 9 के बराबर आने की संभावना है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर नेत्रदान कौन करता है, कैसे किया जाता है, आखिर नेत्र कितने से कितने घंटे तक जीवित रहता है, नेत्र को जो निकालने वाले आते हैं हॉस्पिटल से, जो उनको सूचित करते हैं, वो कैसे कितने मिनट लगता है आँख को निकालने में। तो कुछ इस तरीके का बात है। तो नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात, पश्चात का मैंने बाद, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहती है, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहती है। अतः मृत्यु के बाद नेत्रदान करके, हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति को, हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको हम वही बात बता रहे थे कि आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि हमारा नेत्र भी शरीर का ऐसा भाग है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, जीवित रहता है। और इसीलिए लोगों को ये समझनी चाहिए कि अगर जिसकी मृत्यु हो गई है तो अपना नेत्र दान करके, जो जिनकी जीवन में नेत्र से प्रॉब्लम है, उनको अंधकार से रोशनी दिया जा सकता है। अच्छा, आपको जानने के लिए आपको बता देते चलें कि पूरा वर्ल्ड में अगर बात करें, पूरा विश्व में
ये हम आपको जानने के लिए बता रहे हैं, इसको नोट डाउन नहीं कराएंगे, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। आपको हम ये बताते चले कि पूरा विश्व में, विश्व का मतलब पूरा ऑल कंट्री, ठीक है, पूरा विश्व में दोस्तों 3.5 करोड़ लोग दृष्टि बाधित हैं, यानी कि अंधे का शिकार हैं, जिनको आँख से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। वर्ल्ड में कितना, 3.5 करोड़ लगभग जो दृष्टि में प्रॉब्लम है, आँख से प्रॉब्लम है उनको। दूसरी बात कि अब इन 3.5 करोड़ में ना 45 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कॉर्निया से प्रॉब्लम है, कॉर्निया, और हम लोग जानते हैं ना कि कॉर्निया क्या होता है, हम लोग नेत्र का फिगर भी बनाए हैं, तो कॉर्निया आगे वाले भाग को कहा जाता है। तो कॉर्निया से 45 लाख व्यक्ति पीड़ित हैं। ऐसे तो दृष्टि बाधित कई तरह से होता है, किसी को कॉर्निया में प्रॉब्लम, किसी को लेंस में गड़बड़ी है तो उनको साफ साफ नहीं दिखता है, उनको नेत्र खराब है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि टोटल दृष्टि जो बाधित हैं, टोटल अंधे आदमी पूरे वर्ल्ड में 3.5 करोड़ है, जिसमें 45 लाख ऐसे लोग हैं जिसको कॉर्निया से प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात कि 45 लाख वाला में 60% जो है बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम है। ध्यान दीजिए, यानी कि जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम है वो कितने परसेंट बच्चे हैं, 60% तो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 45 लाख में, सोचिए 60% बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से लगभग कम है। तो आपको हम ये डाटा, ये आंकड़ा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि अंधों की संख्या, आँख से सोची प्रॉब्लम कितने लोगों को है, अगर हम लोग उसको सही मायने में नहीं अगर आंकेंगे। यहाँ पे हम लोगों को कल्चर ही है ही नहीं, अगर मान लिया जाए कि अगर हम लोग जान भी लेंगे तो कर नहीं सकते क्योंकि कल्चर नहीं है, कोई मरने के बाद आज तक नेत्रदान किया नहीं है तो आपको कौन करने देगा, आपके माता पिता दादा दादी अगर डेथ करते हैं तो कोई सलाह भी नहीं देगा कि चलो भाई इनका डेथ के बाद नेत्र का क्या होगा, कुछ नहीं, चलो नेत्रदान कर देते हैं, पास वाले के हॉस्पिटल को सूचना देते हैं, तो कोई करता नहीं। देख लो, हम लोग जो है ना पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते वक्त भले ये पॉसिबल हो या न हो लेकिन जान लेना बहुत ज़रूरी है ये लाइफ के लिए। अगर हम लोग ये समझ गए ना कि हमारा नेत्र जो है मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है, तो जान लेना ये कम बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ये अलग बात है कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। और वही कुछ कुछ ऐसी स्थान हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन लोगों को मतलब रूल्स बन गया है कि कोई भी अगर मृत्यु हुआ तो उसका डेट टाइम नोट कर लिया जाता है और उससे 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर उसका नेत्र जो है निकलवा दिया जाता है, और तब उनको दाह संस्कार या अपने अपने धर्म में जो भी है उसको किया जाता है। तो ये बात जो है ना कल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने के सिवाय से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो सही है उसको तो जान लेना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अभी हम लोग आंकड़ा को देखें कि पूरे विश्व में कितने लोग अंधे हैं और कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको कॉर्निया से प्रॉब्लम है, जिनको कॉर्निया में दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि नेत्रदान जो करता है, जैसे मान लिया कि हम ही नेत्रदान करेंगे, अपना आँख निकलवाएंगे मरने के बाद, तो वो किसी भी आयु का हो सकता है, माने उसका उम्र कुछ भी हो सकता है। अगर मान लिया कि 10 वर्ष के लड़का है वो किसी को भी नेत्रदान कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर 10 वर्ष का लड़का है या 50 वर्ष की बूढ़ी है तो अपना नेत्रदान कर सकता है, और इसको जो लगाया जा सकता है वो किसी भी उम्र के लोग में, वो आँख का सेप साइज देखकर, मतलब वो डॉक्टर अपने से फिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी आयु का रहे, कितना भी साल का रहे, कोई भी जाति का रहे। देखो, हमें साइंस में तो कभी बताते नहीं है कि जातिवाद भी होता है, जाति भेदभाव होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कल्चर बना दिया ना कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, हिंदू में भी वो क्या है, तो बढ़ई है, तो नीच कास्ट का है, तो धोबी है, तो चमार है, तो ये है वो है, बहुत तरह का बात। तो ये हम लोगों का कल्चर गंदा हो गया। एक्चुअली साइंस या फिर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कभी नहीं बताता कि जाति है, जातिवाद करो, भेदभाव करो, है ना। तो इसलिए नेत्रदान जो व्यक्ति करता है उसके आयु को लेकर कोई परेशानी नहीं है, वो कोई भी आयु का हो सकता है, दूसरा कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है,
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भाई आँख तो आँख होता है ना, उसको क्या मतलब है जाति मजहब से, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी आयु का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तू भाई वाह 55 साल के होगा ना तब नेत्रदान करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कितना भी साल का लड़का जो है या लड़की, वो आयु का कोई सीमा तय नहीं है कि इतना ही वर्ष तक के आप कर सकते हैं डोनेट्स। अच्छा, जाति का मतलब नहीं है, धर्म का मतलब नहीं है, लिंग का भी मतलब नहीं है कि सिर्फ लड़का ही करेगा या सिर्फ लड़की ही नेत्रदान करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति का न तो आयु सीमित है, न तो वर्ग है, न जाति है, न लिंग है, कुछ का भी हो सकता है। समझ में आया? तो नोट का हम फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं और बाकी तो इधर हम आंकड़ा बता दिए कि कितना लोग अंधे हैं। तो नोट का सेकेंड पॉइंट लिखा जाए, नोट का सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकते हैं। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। जी हाँ, वही बात अभी हम बताएं आपको, जो मतलब समझाएं, वही लिखवाए हैं जो समझाएं कि कोई भी अगर नेत्रदान करता है उसके लिए आयु का तय सीमा नहीं है कि कोई 18 वर्ष के पारे करेगा नेत्रदान, तो कब कोई भी उम्र का कर सकता है। और डॉक्टर जो उसको लगाएंगे उसको शेप एंड साइज देखकर लगाएंगे कि कितना साल का था और कितने में उसको, मतलब डॉक्टर पे वो डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि नेत्रदान कोई भी आयु का कर सकता है, कोई भी जाति का कर सकता है, कोई भी धर्म का कर सकता है, कोई भी लिंग का कर सकता है, मतलब लड़का लड़की मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। तो अभी हम लोग नेत्रदान के बारे में पढ़ रहे हैं, नेत्र के बारे में बहुत अहम बातों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो नोट का दूसरा पॉइंट तक क्या आज हम लोगों ने नोट किया, नोट का और भी कुछ पॉइंट्स हैं नेत्र के बारे में, नेत्रदान कैसे करना चाहिए, नेत्रदान कौन नहीं कर सकता है ये भी है। आपको क्या लगता है, कोई भी नेत्रदान करेगा? नहीं। नेत्रदान अब किसको कौन कौन सा रोग रहने पर नेत्रदान नहीं करना है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, नोट का और भी कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, उसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। यानी कि नोट के सेकंड पॉइंट तक के हम लोगों ने नेट नोट किया है, अब अगले दिन से नोट के थर्ड पॉइंट से हम लोग नोट्स डाउन करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।